I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Vishal, जो होना था वो तो हो गया. अब इसे संभालना कैसे है वो सोचो. कम से कम तुम दोनों आपस में. मेरी फिक्र छोड़ो. जो होगा देखा जाएगा. मैं उन परेशानियों से खुद लड़ लूंगा. जिनकी शुरुआत मैंने की है उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है. बस मेरा. मुझे समझाने चले हैं. उस दिन देखना जब पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी. हाँ. राणा साहब आप जरा मेरी परेशानी तो समझिए. आज वो मास्टर अकेला नहीं है. उसके साथ 50,000 लोग और उतर आए हैं सड़कों पर. जुलूस निकल रहा है. पुलिस डिपार्टमेंट के नाम का जुलूस निकल रहा है. अब तो स्टूडेंट से भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है. कल उन लोगों ने पुलिस की भी कुछ गाड़ियां जला दी. पता है आपको अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी तो नौकरी गई हाथ से. कामले साहब आप मुझसे चाहते क्या है. देखिए राणा साहब इस बात पर मैंने बहुत सोचा है. अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा. इस साल आपको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है. मुझे नागेश को गिरफ्तार करना होगा. कमले राणा साहब आप मेरी बात तो सुनिए. नागेश पुलिस की हिरासत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा. इत्मीनान रखिए. देखिए नागेश का केस तो प्रधान साहब ही लड़ेंगे ना. अब कोर्ट में नागेश पर लगी चार्जशीट को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा मुझे. मैं खुद कोर्ट में नागेश के खिलाफ कोई भी सबूत या कोई भी गवाह खड़ा नहीं होने दूंगा. भरोसा रखिए मुझ पर. लेकिन ये सब मैं तब कर पाऊंगा जब मैं कुर्सी पे रहूंगा राणा साहब. मतलब ये कि नागेश को पुलिस कुत्ते की तरह घसीटती हुई पुलिस स्टेशन ले जाएगी और कल की अखबारों में हेडलाइंस होंगी. समाज सेवी जसपाल राणा का बेटा बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार. ठीक है मैं कोर्ट में पैरवी के लिए प्रधान को खड़ा भी कर दूंगा और नागेश छूट भी जाएगा. मगर इस पूरी महाभारत के बाद वो रामायण जो मैंने रची है उसका क्या होगा. 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा. एक रास्ता है कामले. राम खोर बड़ी जवानी चली है तेरे अंदर. क्या क्या कर रहे हो आप. इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई. मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. निकल जा यहां से. इतना बड़ा पाप तूने किया कैसे. तूने क्या समझा था कि तेरा पति तुझे बचा लेगा. हमारे यहाँ औरत का दर्जा देवी के समान होता है. पूजा जाता है उसे और तूने उसे बाजारू समझ लिया. उल्लू के पट्टे कपूत. लोगों के बीच क्या सो मेरे लिए. आजा कमले. मैं इसे छोड़ूंगा नहीं. आज मर गया तू. इतना नीच काम करके तू अपने बाप के मुंह पर खा रखी है. समाज देश मेरे लिए औलाद बनकर है. इसकी जान निकालते रहूंगा. मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के रखूंगा. तेरे जैसे मुजरिम को तो कानून के हवाले मैं करूंगा. क्या कर रहे हो. इंस्पेक्टर साहब ये रहा आपका अपराधी. बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म किया है इसने. इसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है. भूल जाइए कि जसपाल राणा का बेटा है. मेरा बेटा हो ही नहीं सकता. ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता. राणा साहब लोग तो अपनी पोजीशन के प्रभाव से अपने सगे संबंधियों की हिफाजत करते हैं मगर आपने तो अपने बेटे को कानून के हवाले कर दिया. जरूरी था ऐसा करना. राणा साहब आपने अपने सगे बेटे को सलाखों के पीछे खड़ा करके बहुत बड़ा काम किया है. बड़ा काम मत कहिए. मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है.
मैंने तो एक अच्छे नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। मेरे बेटे नागेश के ऊपर उंगली उठी के वो गुनहगार है तो मैंने उसे खुद ब खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पोजीशन की वजह से कोई भी गुनाह आसानी से कर बैठते हैं। और बड़ा काम मैंने नहीं, बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने, जिसने निडर होकर इस गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज, मेरी फोटो मत लीजिए। अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजिए और अपने अखबारों में छापिए। सच्चाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुंचनी चाहिए। राणा साहब, नागेश को पुलिस के हवाले करने के बाद आपके मन में कहीं? मैंने जो कुछ किया है अपनी ईमानदारी से किया है और अब मैं चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। मास्टर जी घर पर है? आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हम उन्हें उठाने नहीं आए हैं, कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए। मैडम मास्टर जी को बुलाइए। मास्टर जी। क्या बात है भाई, आप लोग इतनी रात को इस तरह? रात को आकर आपको तकलीफ तो दी पर क्या करें, ड्यूटी ऐसी है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए 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 ना। मास्टर जी, उस लड़की के केस पे कानूनी कार्यवाही अब शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूं वो केस, आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के बिना पर पुलिस अब कोर्ट में केस फाइल करेगी। आपके सिग्नेचर की जरूरत है जी। बताइए कहां साइन करना है? एक बार फिर सोच लीजिए मास्टर जी, ये केस बलात्कार और हत्या का है। आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवाह के रूप में दर्ज हो जाना। हो सकता है अदालत की कार्रवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नागेश जसपाल राणा का बेटा है, जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है। और मास्टर जी, मैंने तो ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज पर आकर वो अपना हाथ वापस खींचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की। मैं तो सिर्फ अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। एक मिनट, आप अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अटल हूं। बताइए कहां साइन करना है, बताइए। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप साइन मत कीजिए। पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ए पाटिल, नीचे कर। यहाँ के एनकाउंटर के लिए आया क्या? गोली चल गई तो आदमी मर जाएगा। हाँ। इडियट। माफ कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप साइन मत कीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गायत्री, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप प्लीज साइन मत कीजिए, विशाल भी घर पर नहीं है। विशाल क्या कर लेगा, मुझे साइन करने से रोक देगा क्या? फिर भी आप मेरी बात की बात मत करो गायत्री। मैंने कहा ना फजूल की बात मत करो गायत्री। To watch more of Bollywood entertainment, subscribe to Shemaroo Me now.